हेलो चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड तो आओ बच्चों अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है मैचलेस एनिमल्स एनिमल्स वर द फर्स्ट क्रिएटर्स ऑन अर्थ दे हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स लुक एट द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स बच्चों हम इंसानों से पहले इस धरती पे कौन आए थे एनिमल्स ही आए थे और ये एनिमल्स जो हैं ये अलग अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जाने जाते हैं मतलब डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं एक दूसरे से अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स आपको दिए गए हैं और आपको उनके जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग से दिए गए हैं आपको क्या करना है उन पिक्चर्स से उन डिस्क्रिप्शन को मैच करना है सबसे पहला है द देवियस्ट इंसेक्ट ये सारे इंसेक्ट में सबसे ज्यादा हैवी होता है इसे गोलीएथ बीटल कहा जाता है यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दी गई है आप इसको चाहो तो मैच भी कर सकते हो सेकेंड द बिगेस्ट कार्निवोर इसे बिगेस्ट कार्निवोर कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मीट खाने वाला एनिमल माना जाता है इसे हम पोलबियर कहते हैं थर्ड है द स्मॉलेस्ट मंकी बच्चों आपने मंकी तो देखा ही होगा कहाँ रहता है ट्रीज में रहता है ठीक है लेकिन ये जो मंकी है ये साइज में सबसे छोटा होता है आपके पाम में इजीली आ जाता है इसे हम पिग मार्मोसेट कहते हैं ठीक है, है? यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिखाई गई है टाइगर के नीचे नाउ फोर्थ द लार्जेस्ट शार्क अब जो शार्क तो आपने देखी होगी कहाँ रहती है समुद्र में रहती है लेकिन इनमें भी एक लार्जेस्ट शार्क होती है जिसे हम व्हेल शार्क कहते हैं तो आप उसको वेल शार्क से मैच करोगे फिफ्थ द फास्टेस्ट बर्ड ठीक है ये जो बर्ड होती है ये सबसे ज्यादा फास्ट उड़ती है इसे हम पेरीग्रीन फाल्कन कहते हैं ठीक है, है? सिक्स द लार्जेस्ट कैट अब कैट फैमिली में सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है इसका नाम है साइबेरियन टाइगर यहां पे आपको उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है सेवेंथ द स्मॉलेस्ट बर्ड बर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है बच्चों आपको पता ही होगा हमिंग बर्ड जो होती है वो सबसे छोटी बर्ड होती है साइज में यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर दिखाई गई है आप उसको मैच करोगे एट द लार्जेस्ट लेजर्ड ठीक है अब लेजर्ड फैमिली में ये सबसे लार्जेस्ट लेजर्ड होती है जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है नाइन्थ देवियस्ट फ्लाइंग बर्ड ठीक है ये जो बर्ड होती है ये उड़ भी सकती है और ये क्या करती है ये साइज में बहुत ही ज्यादा हैवी होती है इसे हम ट्रम्प पीटर सोहैन कहते हैं नॉलेज कॉर्नर शार्क्स आर द ओनली एनिमल्स दैट नेवर गेट सिक देर इम्यून टू ऑल डिसीजेज इंक्लूडिंग कैंसर बच्चों शार्क्स के बारे में ये बताया जाता है कि ये कभी भी बीमार नहीं पड़ती और इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्हें कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होती तो है ना इंटरेस्टिंग तो कैसा लगा ये चैप्टर आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा अब इसका रिविजन जो है वो आप खुद से करेंगे